अंकित किया, मिटाने का प्रयास किया, तुष्टिकरण की राजनीति में बिहार के लोगों को जातीय जहर में बांटने का काम किया। इसलिए राजद से ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना होगा, बोलना स्पष्ट होगा, बताना होगा, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करनी होगी। और नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि ये भी कचरों के ढेर पर बैठ चुके हैं। बिहार के अंदर ये जातीय जहर का खेल शुरू किए हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खेल बंद कर दें, खुल करके जो राजद का जातीय जहर की खेती से अपने फसल उगाकर सत्ता में बैठने की मानसिकता रहती है, उसी खेल में ये भी सम्मिलित हो गए हैं। और अगर जो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग भी इस मामले को जनता के दरबार में ले जाएंगे। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बात करेंगे, जुड़ेंगे। सर, रामचरित मानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया था उसको लेकर जगदानंद सिंह ने यह साफ कहा है कि रामचरित मानस जो ग्रंथ है उसमें अच्छी चीजें भी है लेकिन उसमें कचरा भी है, कैसे देखते हैं? देखिए, जगता बाबू बुजुर्ग आदमी है और इनके बारे में लोग एक अच्छा सोच रखता था, लेकिन पता नहीं उम्र का प्रभाव इन पर पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से इनको अपने ही दल में अपमानित कर करके और किस घुटन में क्यों ये इस तरह से व्यथित होने के बाद भी चरण पादुका की आरती उतारने में लगे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जो राजद पूरे बिहार को, यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को और यहाँ के गौरवशाली इतिहास को कलंकित किया, मिटाने का प्रयास किया, तुष्टिकरण की राजनीति में बिहार के लोगों को जातीय जहर में बांटने का काम किया, सत्ता के लिए नरसंहार करवाया, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का व्यापार करवाया, आज उसी के पुरोधा जब बोल रहे हैं, फिर से उसी राह पर बढ़ चुके हैं। और जगता बाबू अब रामायण में कचरा कर रहे, कचरा तो इनके दल के अंदर भरा हुआ है और कचरों की जमात पर ये बैठे हुए हैं। उस कचरे का प्रभाव इनके मन मस्तिष्क पर भी दिखाई पड़ने लगा है। इस कचरे को साफ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता अभियान शुरू किए हैं, लाल किले से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जब से आह्वान हुआ है, ये कचरों के ढेर पर बैठने वाले भ्रष्टाचारियों की जमात गलबहियां करके बिहार के अंदर समाज को लड़ाने का जो वातावरण बना रहे हैं, इसको कभी नहीं होने देंगे। तमाम बिहारी अब अपने गौरवशाली और सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई है उसको बढ़ाने का संकल्प ले चुका है। लगातार यह भी कह रहे हैं जगदानंद सिंह की पूरा राजद खड़ा है चंद्रशेखर जी। देखिए, राजद को तो जनता उठा करके कचरे के ढेर में फेंक दी थी। ये तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी है कि 13 में जिसको जनता ने नेगलेक्ट किया, 22 सीट पर ला करके खड़ा कर दिया, उसको सत्ता में ला करके इन्होंने फिर से जीवित कर दिया। और दोबारा जब फिर ये मिटने के कगार पर थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको जिंदा किए हैं। इसलिए राजद से ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना होगा, बोलना स्पष्ट होगा, बताना होगा, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करनी होगी। और नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि ये भी कचरों के ढेर पर बैठ चुके हैं। बिहार के अंदर ये जातीय जहर का खेल शुरू किए हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खेल बंद कर दें, खुल करके जो राजद का जातीय जहर की खेती से अपने फसल उगाकर सत्ता में बैठने की मानसिकता रहती है, उसी खेल में ये भी सम्मिलित हो गए हैं। और अगर जो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग भी इस मामले को जनता के दरबार में ले जाएंगे। अंतिम सवाल रहेगा, बक्सर घटना को कैसे सर देखते हैं? देखिए, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज किसानों के साथ, लघु सीमांत किसानों के साथ जिस तरह से सरकार की भेदभाव नीति और इनके भ्रष्टाचार का वो बराबर भेंट चल रहा है। आज खाद का मामला हो, बीज का मामला हो, किसानों के आज उनके जमीन के म्यूटेशन का मामला हो, एलपीसी लेने का मामला हो,
पूरे करप्शन का शिकार है, आज उनका मुआवजा देने की वर्तमान रेट पर मुआवजा मांग रहा है, और जब सरकार केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है फिर राज्य सरकार को आपत्ति क्यों है? आधी रात में घर में घुसकर बहु बेटियों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से ये बदतमीजी किए हैं, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, अब वर्तमान रेट पर उसको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। सरकार की मौन कहीं न कहीं इनके गलत सोच और गलत नीति को दर्शाता है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिला अधिकारी तो कार्रवाई कर रहे। नीतीश कुमार जी को तो पता ही नहीं है, बिहार में घटना घटित होता है 24 घंटा तक उनको पता ही नहीं चलता है, और उनकी प्रशासनिक पदाधिकारी कार्रवाई कर रहे होते तो इतने लंबे समय से वो लोग बैठ के धरना पर एक्शन नहीं लिया तो शासन में बैठे मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई किए, मुख्यमंत्री के स्तर से क्या कार्रवाई हुई, ये लोगों को बताए ना। ठीक है, तो हमारे साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी थे। जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दिया उसको लेकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार का साफ कहना है कि नीतीश कुमार को कार्रवाई करना चाहिए। वहीं बक्सर घटना को लेकर जो है तमाम बातें कही है विजय कुमार सिन्हा ने, तो वहीं आज मिलने भी जाएंगे बक्सर तमाम लोगों से। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे हैं। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।